आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऐसी रेसिपी जिसे हम बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि घर पे ये इतनी आसानी से बन सकती है। जी हाँ, वेज पफ पिज्जा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डव बना के लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। एक चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और दो चम्मच हमने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हम प्रॉपरली मिक्स करके लेंगे। एक कप मैदे में हमारे कम से कम 4 से 5 वेज पफ पिज्जा बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम करने वाले हैं। इस तरीके से हम अब ये आटा काफी टाइट गूंथ के लेने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से हमें इसे प्रॉपरली स्टिफ गूंथ के लेना है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इनर स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न के दाने लिए हुए हैं, चॉप की हुई शिमला मिर्च, चॉप किया हुआ गाजर, चॉप किया हुआ कैबेज, 2 चम्मच टमाटो सॉस और ये चीज़ हमने ग्रेट करके लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पैन गरम करने रख देंगे। इसमें हमने 1/2 चम्मच बटर डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे बटर का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे वेजेस ऐड करते जाएंगे। चॉप शिमला मिर्च, चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड कैबेज, सारे वेजेस को हम प्रॉपरली मिक्स करके प्रॉपरली भून के लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। ड्राई मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 चम्मच मिरी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में इसमें हम पिज्ज़ा का फ्लेवर आने के लिए 1/2 चम्मच ओरेगानो ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ओरेगानो और चिली फ्लेक्स हमें आसानी से मसालों के शॉप में मिल जाती है। वाओ, परफेक्ट इसे पिज्ज़ा का एरोमा आ चुका है। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करके लेंगे। सारे वेजीज प्रॉपरली मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करके लेंगे। इसे हम अब 3 से 4 मिनट तक ढक के पका के लेने वाले हैं। हमारी पिज्जा पफ की इनर स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके लेंगे। इस मिक्सचर को हमें प्रॉपरली ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं। आइए अब हम पफ बना के लेते हैं। डव को हमने 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड करके लेंगे। इसे हमें रोटी के शेप में बेल के लेना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी रोटी गोल ही हो, बिकॉज हम इसे बाद में स्क्वायर शेप में कट करके लेने वाले हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे थिन रोटी बेल के ली हुई है। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट करके लेंगे। इसके एक्स्ट्रा कवर को हम फिर से पफ बनाने में यूज कर सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हमें प्रॉपरली 2 सेक्शन में डिवाइड करके लेना है। हमारे पफ का आउटर पोर्शन अब रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सारे आउटर लेयर बना के लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की ओर। अब ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसमें अब हम चीज़ ऐड करके लेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप नॉर्मल चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीज़ क्यूब का ही इस्तेमाल किया हुआ है। हमारी इनर स्टफिंग की मिक्सचर बनके रेडी हो चुकी है।
अब हम इसे फिल करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने पफ की आउटर लेयर के 2 पीसेस लिए हुए हैं। इसके कॉर्नर को हम हल्का सा पानी लगा के लेंगे। ऐसा करने से जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारी इनर स्टफिंग बाहर नहीं निकलेंगी। इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग डाल के लेंगे। बस अब इसे आउटर लेयर से कवर करके लेना है। इसके एजेस को हमें प्रॉपरली प्रेस करके लेना है। अब यहाँ पे मैं फोक का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसके एजेस को मैं प्रॉपरली प्रेस करके लेने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से इस पे इम्प्रेशन भी आ गए हैं। परफेक्ट। बस अब ये बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे पफ बना के लेंगे। देखिए पफ बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि जो हम स्टफिंग ऐड करेंगे वो बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। अगर स्टफिंग ज्यादा हुई तो वो ऑयल में ब्रेक हो जाएगी। अगर हमने इसमें कम स्टफिंग ऐड की तो इसे प्रॉपर पिज्जा पफ का टेस्ट नहीं आएगा। साथ ही में इसका डव भी हमें प्रॉपरली थिक गोंद के लेना है। अगर ये सॉफ्ट हुआ तो ये फिल करते वक्त ही ब्रेक हो जाएगी। बस अब ये बनके रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्राई के लिए रेडी हो चुकी है। अब तेल हमने यहाँ पे गर्म करने रखा था, इसे हम लो फ्लेम पे तल के लेने वाले हैं। दोनों साइड से हमने इसे प्रॉपरली फ्राई करके लिया हुआ है। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुके हैं। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पिज्जा पफ बनके रेडी हो चुके हैं। आइए अब हम इसे खा के देखते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। ये बहुत यम्मी बने हुए हैं। अब इसे टेस्ट करने के लिए आप इसे जरूर घर पे बना के देखिए, क्योंकि घर में बनाने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।